बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आपने जो है लोबिया, मूंग की दाल, मकई, काला चना और गंदम इस तरह निकाल कर बर्तन में रखना है। फिर आपने इसी तरह इकट्ठे पानी में भगो देना है फॉर एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स। फिर आपने अच्छी तरह दानों को आपस में मिक्स कर देना ताकि रेशियो जरा बराबर हो। फिर आपको अगले दिन सुबह इस तरह का एक मंजर मिलेगा। फिर सुबह के वक्त आपने इस तरह आप देखें धुंध निकली हुई, लेकिन आपकी वीडियो बनाने के लिए हम पहुंचे। के बाद आपने इस तरह एक आटे की बोरी लेकर उसको आधे हिस्से में तकसीम जिस तरह कागज को ऊपर लपेटते हैं और दाने को इस तरह बिछा देना। ठीक है, आपका दाना अच्छी तरह कवर हो जाए इस पे। फिर ऊपर से बंद करके आपने इसको लगातार इस तरह पानी देते रहना 2 दिन के लिए। ऐसी जगह पे जहाँ पे डैम्प हो, ड्राई हो, जिस तरह मैंने आपको कहा भाई इसको मुसलसल गीला रखना है। देखें फुल गीला है। 2 दिनों के बाद आपके स्प्राउट्स बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ पे बच्चे निकले हुए हैं वहाँ पे इस तरह पूरे बर्तनों में भर के अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपके बच्चे इस उम्र के हों इस साइज के तो आपने इन सबको इस तरह निकाल देना है। आपने क्या करना है, मोर्टिन का स्प्रे लेकर ना अपने इस तरह ये जो है कूपेक्स पाउडर इस तरह अच्छी तरह इस पूरे डब्बे में कर देना, फ्यूमिगेट कर दें। बच्चे आप बाद में वापस रख लें कोई तकरीबन आधे मिनट के बाद, तो कुछ भी नहीं होता इंशाल्लाह। ये एक प्रोसेस आपको हर 20 दिन के बाद करना चाहिए।